तरीके से आपके सिलाई मशीन धागे को तोड़ देती है और यहाँ से इस तरीके से ढेर सारा देख लीजिए धागा टूटा हुआ है और यहाँ से इतने दूर में चार पांच जगह टूट गया है। तो इस तरीके से आपकी सिलाई मशीन धागे को तोड़ देती है, तो किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है, कैसे इसको रिपेयर करना है। आशा करता हूँ आपके घर अगर सिलाई मशीन होगा तो धागा जरूर तोड़ता होगा और परेशान हो जाते होंगे, काफी बनाते बनवाते बनवाते उसको रिपेयर करवाते करवाते परेशान हो जाते हैं। मगर आपको इसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है और क्या होता है कि जो शॉप वाला होता है, जो रिपेयरिंग वाला होता है, वो आपको मेन चीज इसका बताता भी नहीं है, तो आप सेटिंग कहां से कर पाएंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि क्यों इस तरीके से होता है और क्यों बार बार आप रिपेयर करवाते हैं, क्या आप सुधार कर देंगे, अपने कमी के सुधार करेंगे तो तुरंत आपकी सिलाई मशीन सेट हो जाएगी और इस तरीके का बार बार धागा नहीं तोड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे करूंगा बस छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए इससे बिना देरी किए इसे आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि धागा बार बार तोड़ देता है और जिससे आप काफी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, 10-12 रुपए की सुई खरीद के लाते हैं और लगाते हैं तब भी तोड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं, आइए आपको दिखा दें। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपकी सुई तोड़ देती है और आप परेशान हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे धागा कितना सारा टूटा हुआ है देख सकते हैं, और इस तरीके से ये नीचे का धागा नहीं तोड़ रहा है देख लीजिए, और ये ऊपर का धागा तोड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो ये आप सुई चेंज करते हैं, सबसे मेन चीज आप 10 रुपए की 12 रुपए की सोचते हैं सुई ओरिजिनल लाएंगे आपका चलेगा, दोस्तों आप परेशान हो जाएंगे इस तरीके से करेंगे तो। देख लीजिए आप ब्रांड कंपनी की खरीदेंगे तब भी आप सोच रहे हैं, अगर आपको पहचानने का तरीका नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, ये सुई डुप्लीकेट रहता है और डुप्लीकेट होने की वजह से ये धागा तोड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि डुप्लीकेट अगर है तो ओरिजिनल हम पहचानेंगे कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से पहचानेंगे। दोस्तों देखिए जब ये सुई खरीदते हैं आप, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से पत्ता में सुई आता है देख लीजिए, ये पन्नी के पत्ता में सुई आता है, आप पन्नी वाले पत्ते का सुई खरीदेंगे, ये फ्लान टाइगर का सुई होता है और इसको आप खरीदेंगे तो ये धागा नहीं तोड़ेगा, और आप पहचानेंगे कैसे, चलिए आज मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको एक सुई कोई देता है तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये फ्लान टाइगर का है या कौन सा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप निकालिएगा, और जब भी लीजिए किसी भी कंपनी का सुई लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस फ्लान टाइगर का ही लीजिए, मैं इतना सारा सुई है देख सकते हैं, और इसी सुई में ये सुई जो है ये मिला देते हैं इस तरीके से देख लीजिए, और ये देख लीजिए मिला दिए हैं। अब सोच रहे होंगे कि आप तो मिला दिए हैं तो इसको निकालेंगे कैसे, कौन सा पता चलेगा कि वो डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। देखिए ओरिजिनल का डिमांड नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें स्टील मिक्स होता है जिसमें धागा नहीं तोड़ता है, और जो लोखन का पेवर बना होता है उसमें धागा तोड़ देता है। अब चलिए इसमें पहचानने का कोशिश करिए, आप बताइए पहले कि इसमें कौन सा सुई है जो हम निकाले थे अभी, आपको समझ में आ रहा है इधर, कोई भी समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ देख लीजिए। जब आप इस तरीके से ढेर सुई आप ऐसे आप लेंगे और लेने के बाद मिक्स करने के बाद जब आप प्रयास करेंगे इसमें ढूंढने का, तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से ऐसे रखिएगा और देख लीजिए ये जो सुई होता है, ये अभी दिखा रहा हूँ कैमरा में, ये जो सुई रहेगा ये दोस्तों कलर चेंज होता है, अभी देखिएगा उसका कलर जो है अलग रहेगा देख लीजिए, ये सुई है ये बीच वाली सुई, ये यहाँ से निकाल रहा हूँ ये सुई है देख लीजिए, इसका कलर जो है अलग है, इसके कलर से इसका कलर अलग होता है और इसी से पहचान हो जाता है। तो ये सुई मत लगाइए, इसको फेंक दीजिए, ये चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 5 रुपए की हो, चाहे 2 रुपए की हो, जब भी लगाना है आपको ओरिजिनल सुई लगाइए, और इस तरीके से लगाकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये धागा जो है कभी नहीं तोड़ेगी। अगर इस सुई को लगाने के बाद भी धागा तोड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सिलाई मशीन के सुई में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिलाई मशीन में प्रॉब्लम है। वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, जल्द ही वो वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ से निकालते हैं एक सुई दूसरा, और इसको क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं, लगाते समय आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें उल्टा और सीधा होता है देख लीजिए, एक साइड में एक चिपटा होगा और इस साइड में गोल है देख लीजिए, तो जो चिपटा है वो राड के इस तरफ लगेगा, जैसे ऐसे राड है ऐसे ऐसे लगा के रखना है, तो मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके से इसमें लगा देना है, जो चिपटा होता है वो अंदर की तरफ रहेगा जिससे क्या होगा अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब इसको लगा दिए हैं, और लगाने के बाद में अब देख सकते हैं यहां से मैं आपको धागा डाल करके दिखा रहा हूं और चला के दिखा रहा हूं कि ये कभी नहीं तोड़ेगा दोस्तों। अब देखिएगा यहां पे धागा डाल देते हैं, और धागा डालने के बाद में इस तरीके से, और यहां पे आपको सिलाई करके दिखा रहे हैं, ये जो सुई था डुप्लीकेट वाला कितना सारा धागा तोड़ा था, और अब इसको लगाएंगे यहाँ पे,
और लगाने के बाद चला के दिखाएंगे कि जिससे देख लीजिएगा धागा तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। देख सकते हैं, देखिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, इतनी ही दूरी में सिलाई कर रहे थे, डुप्लीकेट सुई लगाए थे, तो इतना सारा धागा तोड़ दिया, देख सकते हैं, और इसमें एक भी धागा नहीं तोड़ा। अब इसको क्या करेंगे और घुमा के सिलाई करके दिखा देता हूं जिससे आपको यकीन आ जाए। देख लीजिए इस तरीके से इसको ही सिलाई कर ली। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो ये पतला कपड़ा है, मगर दोस्तों पैंट का कपड़ा है। सोच रहे होंगे कि मोटे कपड़े पर चला के दिखाओ तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, तो दोस्तों देख लीजिए मोटा कपड़ा मैं कर देता हूँ, इस तरीके से मोटा करता हूँ। ये देख लीजिए ये पैंट का कपड़ा है और इसको तोड़ देते हैं, और ये दो लड़का कपड़ा है। अब इसमें और कपड़ा हम ऐड करते हैं जिससे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो देख लीजिए ये दो कपड़ा ये भी है, देख लीजिए ये पैंट का है, ये चार लर है, और इस पे क्या करते हैं इस तरीके से रख देते हैं, और दो ये है, चार दो छह और दो आठ लर हो गया। देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे अरे इतना मोटा चलेगा, मैं चला के दिखाऊंगा आपको। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है, और लगाने के बाद में देख सकते हैं ये आठ लर का कपड़ा है, और इस पे आप चलाएंगे तब भी आपका धागा नहीं तोड़ेगा। देख सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी आपका सिलाई मशीन धागा तोड़ता है तो आप सुई को लाइए और सुई चेंज करिए, फर्स्ट क्वालिटी का सुई लगाइए, ओरिजिनल सुई लगाइए, और दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर लीजिए आपका सिलाई मशीन धागा नहीं तोड़ेगा। दोस्तों अगर तोड़ता है तो किस तरीके से सेटिंग करना है, ये भी वीडियो हमारे ही चैनल पे मिलेगा दोस्तों, कहीं जाने का जरूरत आपको नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, देखिएगा, देख लीजिए हमारे ये वीडियो को दोस्तों देखते रहिएगा, आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।